इंडस्ट्रियल पीए सिस्टम के लिए दो एम्पलीफायर वाला ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट, एक सिलेक्टर स्विच पेज और प्राइवेट के लिए, वॉल्यूम कंट्रोल पेज के लिए प्राइवेट के लिए, तीन स्टेशन के लिए स्टेशन वन, स्टेशन टू, स्टेशन तीन के लिए तीन गैंग बॉक्स जिसके अंदर एक रिले है 12 वोल्ट का, 3 पिन प्लग, तीनों को कॉमन फेज न्यूट्रल अर्थिंग दिया हुआ है। हर एक बोर्ड में फेज न्यूट्रल अर्थिंग, न्यूट्रल डायरेक्ट, अर्थिंग डायरेक्ट, फेज वायर एक रिले के थ्रू, रिले के एनओ की तरफ से, रिले के कॉइल के दो टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें भी सेम अरेंजमेंट है, अर्थिंग डायरेक्ट, न्यूट्रल डायरेक्ट, फेज ग्रीन वायर एक रिले के थ्रू। जितने स्टेशन रहेंगे उतने टॉगल स्विचेस, स्टेशन वन, स्टेशन टू, स्टेशन तीन के लिए हर स्टेशन पर एक माइक रहेगा। माइक एम्पलीफायर से जो सिग्नल आएगा एम्पलीफाई होके सभी स्टेशन पे जाएगा, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक किसी भी एम्पलीफायर के ट्रांसफार्मर को पावर सप्लाई नहीं मिलेगा। ये पावर सप्लाई 3 पिन प्लग से, अगर मेटल बॉडी है तो 3 पिन और अगर प्लास्टिक बॉडी है तो 2 पिन प्लग भी लगाया जा सकता है। जैसा एक नंबर स्टेशन से 4 नंबर स्टेशन पर बात करना है, 1 और 4 का रिले ऑन करने के बाद टॉगल स्विच से सिलेक्शन, रिले ऑन करने के लिए 12 वोल्ट का अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, सिर्फ अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को 12 वोल्ट हरदम मिलते रहेगा, बाकी सभी ट्रांसफार्मर ऑफ रहेंगे। यहाँ से 12 वोल्ट 3, 4, 5 जितने भी सिलेक्शन टॉगल स्विच है उसको दिया जाएगा कॉमन पॉइंट को, एनओ पॉइंट से रिले ऑन होगा। रिले ऑन होने के बाद जैसा 1 नंबर से 4 नंबर या 1 नंबर से 3 नंबर बात करना है, 1 और 3 का टॉगल स्विच ऑन किया जाएगा। माइक से बात करने के बाद वहाँ के पेज और प्राइवेट दोनों में सप्लाई जाएगा। हर स्टेशन पर सिलेक्शन स्विच पेज और प्राइवेट का, वहाँ उपस्थित व्यक्ति सिलेक्ट कर सकता है या पहले से भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं। दो स्पीकर, एक प्राइवेट के लिए, एक स्पीकर के जगह पे हार्न यूनिट का ड्राइवर यूनिट लगाया जा सकता है।